और अब आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिसमें स्कूल की बीमार मानसिकता दिखाई दे रही है। दरअसल पुणे में MIT विश्व शांति गुरुकुल स्कूल ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। स्कूल ने लड़कियों के अभिभावकों से अंडरटेकिंग साइन करने को कहा। स्कूल ने लड़कियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए उनके अंडरगारमेंट के रंग तय कर दिए। ये बात समझ से बाहर है कि भला इनरवियर के कलर से लड़कियों की सुरक्षा कैसे होगी। अभिभावकों की शिकायत के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच का आदेश दिया है। पुणे के MIT विश्व शांति गुरुकुल स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के माता पिता बेहद नाराज हैं। अभिभावकों के पास नाराजगी का एक बड़ा कारण है लड़कियों के अंडरगारमेंट पर स्कूल का तुगलकी फरमान। ये तुगलकी फरमान पुणे के MIT विश्व शांति गुरुकुल स्कूल ने जारी किया है। MIT स्कूल ने आदेश दिया है कि स्कूल की लड़कियां सफेद या स्किन कलर के इनरवेयर पहने। MIT विश्व शांति गुरुकुल स्कूल ने अपनी इस प्रदूषण भरी सोच के लिए लड़कियों की सुरक्षा का हवाला दिया है। जिनको कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन से दिक्कत आ रही है वो हमसे आके बात करें। अगर कुछ गलती हुई है तो हम सुधारने के लिए तैयार है, क्योंकि स्कूल बनाया बच्चों के लिए है, ना कि हमारे लिए। किसी खास रंग के अंडरगारमेंट पहनने से लड़कियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी ये तो स्कूल प्रशासन ही जाने। स्कूल का ये फरमान स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के अभिभावकों की भी समझ से परे है। इनर वियर्स हम लोग कौन से कलर के चूज करें या ना करें, किस टाइप के चूज करें या ना करें, इसका हम लोगों को बिल्कुल भी हम लोग इससे सहमत नहीं है कि ये आप लोग एक रूल बुक बना के। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शिक्षण संस्थान होगा जो अपने यहाँ पढ़ने वाली लड़कियों के इनरवेयर का रंग तय करता होगा। पुणे के MIT विश्व शांति गुरुकुल स्कूल ने तो हद कर दी। स्कूल ने लड़कियों के अभिभावकों को इस नियम को अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए स्कूल डायरी में साइन करने को कहा है, अंडरटेकिंग देने को कहा है। छात्रों के इनरवेयर तय करने के बाद नाराज पेरेंट्स ने स्कूल के खिलाफ शिकायत की है। अंडरगारमेंट का कलर ही नहीं, टॉयलेट कब जाना है कब नहीं, इसका टाइम टेबल भी बनाया है। MIT स्कूल ने स्टूडेंट्स के लिए बेतुकी नियमों की पूरी लिस्ट बनाई है। MIT विश्व शांति गुरुकुल के बेतुके नियम, छात्राएं सफेद और स्किन कलर के इनरवेयर पहनेंगी। सैनिटरी पैड्स को डिब्बे में नहीं डालने पर ₹500 जुर्माना लगेगा। स्कूल में टॉयलेट इस्तेमाल करने का वक्त तय किया गया है। पानी बिजली के अनावश्यक इस्तेमाल पर ₹500 जुर्माना होगा। स्कूल के खिलाफ छात्र छात्राओं के अभिभावक आंदोलन नहीं करेंगे। छात्र छात्राओं के अभिभावक आपस में बात नहीं करेंगे। अभिभावक इस संबंध में मैनेजमेंट और मीडिया से बात नहीं करेंगे। स्कूल के इन अजीबोगरीब नियमों को लेकर अभिभावकों में नाराजगी है। अभिभावक स्कूल के इन तुगलकी नियमों के खिलाफ लामबंद होकर विरोध कर रहे हैं। स्कूल की तो बस एक ही दलील है, लड़कियों की सुरक्षा। कानून के जानकार भी स्कूल की इस दलील से इत्तेफाक नहीं रखते। बच्चों के इनरवेयर के भी क्या कलर होंगे, क्या लेंथ होगी, सरासर गलत है। मैं तो कहूंगी ये 509 ऑफ द IPC में इट वायलेट्स द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, क्योंकि इस तरह के कोई भी स्टेटमेंट या इस तरह के इंस्ट्रक्शंस महिला की अस्मिता, बच्चों की अस्मिता जो है उसको ठेस पहुंचाते हैं। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ऐसे स्कूलों को फटकारे। जी न्यूज के माध्यम से स्कूल की प्रदूषित सोच महाराष्ट्र सरकार तक पहुंची। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे नगर निगम को मामले की जांच का आदेश दिया है। अमित जोशी के साथ अरुण महात्रे, जी मीडिया, पुणे।